नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। मझवा विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों में है। पहले वोटर का जिक्र कर लूं तो 3,99,259 कुल मतदाता है और इस बार 6,175 की संख्या में नए मतदाता भी बने हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से इस चुनाव की तैयारियां की जा रही है, आज जिलाधिकारी ने इस पूरे चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों को बताया और साफ तौर पे ये कहा कि आचार संहिता, अगर बात करें तो आदर्श आचार संहिता का पालन शत प्रतिशत ढंग से कराया जा रहा है। 18 तारीख को नामांकन शुरू होगा, 25 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, 30 तारीख को नाम वापसी की तारीख होगी और इस दौरान प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करना होगा। प्रशासनिक निर्देश है और इसके साथ ही इस पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जाएंगे। तो प्रशासन तैयार है और इसके अलावा जो जनता है वो भी ऐसा प्रतिनिधि चुनने की बात कह रही है जो क्षेत्र का विकास करे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने अभी तक क्षेत्र का दौरा कर लिया है और कहीं ना कहीं जीत के दावे कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर किसे सामने लेकर आती है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी दमखम लगा रहे हैं और इस मैदान में बाजी मारने का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विकास को आधार बनाकर जनता किसे अपना नेता चुनती है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। जो जारी कर दी गई है और जो निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया गया है माननीय चुनाव आयोग द्वारा, उसका विवरण आप लोगों को मैं बताती हूँ। उसमें अधिसूचना हमारी 18 शुक्रवार से जारी हो जाएगी और नाम निर्देशन दाखिल करने का जो अंतिम दिनांक है वो 25 अक्टूबर है। मतलब 18 अक्टूबर से हमारे नामांकन प्रारंभ हो जाएंगे जो कि 25 अक्टूबर तक चलेंगे और स्क्रूटनी की दिनांक 28 अक्टूबर है, नाम वापसी की दिनांक 30 अक्टूबर है, मतदान की दिनांक 13 नवम्बर है और मतगणना की दिनांक 23 नवम्बर है। और जो निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम तिथि घोषित की गई इससे पहले निर्वाचन संबंधी समस्त प्रक्रियाएं शुरू कर ली जाएंगी वो 25 नवम्बर है। इसमें नामांकन स्थल हमारा जो है वो अपर जिलाधिकारी भू राजस्व का जो न्यायालय है वो रहेगा और कलेक्ट्रेट परिसर में ये अवस्थित है। इसके साथ ही मतदान की जो टोलियां हैं 397 मझवा की वो हमारी डिस्पैच होगी राजकीय पॉलिटेक्निक बथुआ से और मझवा विधानसभा की सारे स्ट्रॉन्ग रूम और मतों की गणना का कार्य राजकीय पॉलिटेक्निक बथुआ मिर्जापुर में कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम आपको मतदाताओं का विवरण दें तो 397 मझवा विधानसभा में हमारे टोटल 3,99,259 मतदाता हैं, जिसमें 2,11,105 पुरुष मतदाता हैं और 1,88,136 महिला मतदाता हैं। 18 हमारे थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। आयु वर्ग के अनुसार यदि हम देखेंगे तो हमारे 6,175 18 से 19 आयु वर्ग की जो है नए मतदाता बने हैं। मतदान स्थलों की संख्या यहाँ 442 है और मतदान केंद्र हमारे 262 है। ये आदर्श आचार संहिता हमारी प्रभावी हो गई है, जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की उसके साथ ही हमारी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और ये हमारे सभी राजकीय विभाग अधिकारियों, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर लागू है, जिसके जो मुख्य प्रावधान है उसमें नए कार्यों की घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन इत्यादि प्रतिबंधित है और जो रूलिंग पार्टी है उसके मंत्रीगण के राजकीय दौरों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध, जो भी दौरे हैं वो अपनी पार्टी की चिंता में किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक प्रचार साहित्य की मुद्रण हेतु जो भी आपके पैम्फलेट या इत्यादि प्रकाशित होंगे उस पर नीचे नाम और उनकी संख्या और यदि जिस भी पार्टी संबंधित है उनके द्वारा हमारा जो कंट्रोल रूम और जो सेल स्थापित की गई है, सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया, उसको अनुमति लेना आवश्यक है। आदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एमसीसी की टीम मुख्यालय स्तर पर और विभिन्न विधानसभाओं में सक्रिय हो जाएगी। प्रत्याशियों की नामांकन की तिथि से निर्वाचन व्यय की अनुमति सीमा जो है 40 लाख रुपए के अंतर्गत रखने के लिए हमने विधानसभावार और थानावार टीमें भी गठित की है। सरकारी कार्यालयों, नगर निगम, जिला पंचायत, संपत्तियों, भवनों इत्यादि पर जो प्रचार सामग्री है उसको हटाने का कार्य
अधिसूचना जारी होने से ही प्रारंभ हो गया है और ये किया जा रहा है, इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है लगातार। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधि 1951 की धारा 123 से 36 और भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के सुसंगत प्रावधान जो है वो भी हमारे तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जो टीमें हमने गठित की है, उड़नदस्ता की 9 गठित की है, 3 शिफ्ट में 3 टीम, स्थायी निगरानी टीम की 3 शिफ्ट में 3 टीम, कुल 9 टीमें गठित की है। हमारे एक सहायक वेब प्रेक्षक आएंगे, वीडियो निगरानी टीम में 3 है, वीडियो अवलोकन टीम 1 है, लेखा टीम 1 है, मीडिया प्रमाणक अवीक्षण समिति हमारी गठित की गई है 1 है और व्यय अवीक्षण नियंत्रण कॉल सेंटर भी 1 स्थापित किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।